जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। सब समय समय की बात है दोस्तों, हर क्रिकेटर के लाइफ में यह दिन आता ही है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनका रिटायरमेंट किसी को भी अच्छा नहीं लगता। क्रिकेट में इनके योगदान को कौन भूल सकता है, इंडिया इज प्राउड ऑफ देम। सोचो दोस्तों, अगर MS धोनी रेलवे की नौकरी ना छोड़ने का रिस्क नहीं लेते तो क्या टीम इंडिया को इतना लाजवाब खिलाड़ी मिलता? जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता। लाइफ में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो कुछ रिस्क तो उठाना ही पड़ता है, और हमारे माही भाई इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है। याद है आपको 2007 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसमें कैप्टन धोनी ने बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली लास्ट ओवर जोगिंदर शर्मा को देकर इंडिया को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जिताया था। हमेशा से कुछ अलग कुछ नया करने के लिए फेमस MS धोनी जैसा बेस्ट फिनिशर और कोई नहीं हो सकता। ऐसे ना जाने कितने मैच MS धोनी ने टीम को जिताए हैं जिसमें इंडिया ऑलमोस्ट हार ही चुका था। कैसी भी सिचुएशन में आपा नहीं खोना, अपने सेंसेस में रहना, ठंडे दिमाग से काम लेना, ये सब बातें MS धोनी से सीखने जैसी है। MS धोनी इंडिया के ना केवल ग्रेटेस्ट विकेट कीपर थे, पर वो टीम के लिए एक मेंटर भी थे और एक सक्सेसफुल कप्तान भी। सामने वाले बैट्समैन की वीक पॉइंट देखकर किसको बॉलिंग देनी चाहिए, उसके लिए फील्डिंग कैसी लगानी चाहिए, ये MS धोनी बहुत ही अच्छी तरह समझते थे। इसलिए ही वॉज द बेस्ट डिसीजन मेकर एंड बेस्ट प्लानर ऑफ द गेम। और कौन भूल सकता है वानखेड़े में हुआ 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल, जिसमें धोनी, युवराज और गंभीर ने एक शानदार इनिंग्स खेली थी और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था। दोस्तों, इन रिटायर्ड प्लेयर्स और उनके फैंस के लिए मैं कुछ लाइंस कहना चाहता हूँ। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उनके ही सितारे चमकते हैं, जो मजबूरी का रोना रोया नहीं करते। दोस्तों, मैं अपना अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस एग्जाम्पल्स के साथ आपके सामने रखता हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।